Hello students, in today's video we'll discuss the laws of chemical combination for class 11th. These laws are basic laws and very important for class 11 students. ये chemistry के लिए आपकी जो basic understanding है, आपका attitude है, उसको बनाने का काम करेंगे. इसलिए ये पूरा video आपको देखना है. ये जस्ट आपकी केमिस्ट्री की जो स्टडी है वो यहाँ से शुरू होती है. इसलिए आप इन सभी लॉज को जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आज एक एक करके विद एग्ज़ाम्पल पूरा वीडियो देखें और फिर उसको अप्लाई करें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. एक एक लॉ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है. आपने इसको क्रैम नहीं करना है किसी भी लॉ को. आपने करना क्या है, जस्ट उसकी जो डेफिनेशन है उसको समझना है. ट्राई टू मेक योर ओन डेफिनेशन इन योर माइंड, बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स व्हाट आई फील ट्राई टू क्रैम द लॉ डेफिनेशन. मैंने इसलिए कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है, मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है. और फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मैंने कोई डेफिनेशन को क्रैम नहीं किया हुआ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने बनाई है, वही आपको डिलीवर कर रहा हूं. और उसी तरीके से आप भी अपने दिमाग में बिठाएं, पूरा वीडियो ध्यान से देखें और हर वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें मिलेंगी. इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हमारा फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जैसे नाम से ही बहुत क्लियर है कि मास हमेशा कंजर्व रहेगा. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड. यानी अगर दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स एंड व्हेन दे अलाउ टू रिएक्ट गिव्स यू प्रोडक्ट्स सी एंड डी. अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि जितना ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे उतना ही प्रोडक्ट हमें बने मिलकर के तैयार होगा. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट्स इनफ डेफिनेशन. या आप अपने लैंग्वेज में यू भी कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट इन ग्राम और इन किलोग्राम, वट एवर द यूनिट यू मे टेक, द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स विच रिएक्ट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड. जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब इस फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, फर्स्ट प्रॉब्लम में कहा गया है जो मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, वेन 8.4 ग्राम ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 is added to a solution of acetic acid, means they are reactants weighing 20 ग्राम. इसका वजन है 20 ग्राम और सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट जो दिया है वो है 8.4 ग्राम. इट इज ऑब्जर्व्ड दैट 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. यानी यहां पर CO2 गैस रिलीज होती है और उसका वजन दिया हुआ है 4.4 ग्राम. इज रिलीज्ड इन एटमोस्फियर एंड ए रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड. यानी साथ में एक रेजिड्यू भी बनता है, बचता है, जो कि तैयार होता है. कैलकुलेट द मास ऑफ रेजिड्यू. अब आपको पूछा गया है इस रेजिड्यू का मास बताएं बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. 8.4 प्लस 20 ग्राम मास ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास है. मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. नाउ 8.4 प्लस 20 विल बी इक्वल टू 4.4
plus mass of the residue, let it be x gram, that comes out to be 28.4 gram is equal to x plus 4.4. then you can calculate x is equal to 28.4 minus 4.4 comes out to be 24 gram. इसका मतलब यहां जो रेजिड्यू है उसका मास 24 ग्राम रहेगा, तभी तो मैं कहूंगा ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड, इट इज फॉलोड. 8.4 प्लस 20 ग्राम इज इक्वल टू 4.4 प्लस 24, दैट कम्स आउट टू बी द मास ऑफ रेजिड्यू. जनरल रिएक्शंस में ये मास ओबे किया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हाउएवर देर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस इन विच दिस लॉ इज नॉट ओबेड. द लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ इज समटाइम स्पेसिफिकली इन न्यूक्लियर रिएक्शंस. न्यूक्लियर रिएक्शंस वो होती हैं जहां रिएक्टेंट्स में से एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स. जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्टेंट्स के रूप में अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स होते हैं, उन रिएक्शंस में ये लॉ फॉलो नहीं होता, ओबे नहीं होता. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ. वहां क्या होता है, मास इज ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज लेसर देन दैट द मास ऑफ द रिएक्टेंट. थोड़ा मास कम हो जाता है और जो मास कम होता है वो एनर्जी में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है. तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा होता है, केमिकल रिएक्शंस में ये फॉलो होता है. तो जनरली जो हम लैब में केमिकल रिएक्शंस करते हैं उनके लिए तो ये लॉ ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बट इन न्यूक्लियर रिएक्शंस द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज स्लाइटली लेसर देन दैट ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स. और जो मास कम होता है वो अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इसलिए ये कहना ज्यादा उचित रहेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी दोनों को मिलाकर कहेंगे तो वो कंजर्व रहते हैं, लेकिन अकेला मास कहेंगे तो वो केमिकल रिएक्शंस में तो रहता है कंजर्व, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता है. इस तरह से जो केमिकल रिएक्शंस के लिए प्रॉब्लम्स दी हुई हैं वहां पर हमें यही मान के चलना है कि दिस लॉ इज ओबेड एंड इट इज अ वेरी गुड लॉ फॉर द केमिकल रिएक्शन. दिस इज योर फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. सेकेंड लॉ है द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कॉन्स्टेंट कंपोजिशन. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कॉन्स्टेंट कंपोजिशन. कॉन्स्टेंट कंपोजिशन सिंपली है, नाम से पता लग रहा है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द टू और मोर देन टू एलिमेंट्स बाय द फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मास. यानी मैं अगर वाटर का एग्जाम्पल लूं तो वाटर के एग्जाम्पल पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन का जो मास है वो 2 ग्राम है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 ग्राम है. तो इनका रेशियो क्या है, 2:16 मीन्स 1:8. यानी पानी जब भी बनेगा, वेन एवर द वाटर इज टू बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे विल हैव टू कंबाइन देमसेल्व्स इन दिस रेशियो.
दैट इज 1:8, वो फिक्स रहेगा, डेफिनेट रहेगा। कंपोजिशन जो है वाटर की वो हमेशा डेफिनेट है। वो वाटर चाहे कहीं पर भी बनाया जाए, कैसे भी बनाया जाए, लेकिन उसका रेशो चेंज होने वाला नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशो है वो चेंज नहीं होगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स बाय द फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मास। उनके मास का, उनके वजन का जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा। अगर मैं कॉपर ऑक्साइड का एग्जांपल लूं, कॉपर ऑक्साइड को बनाने के बहुत तरीके हैं, देयर आर सो मेनी मेथड्स टू प्रिपेयर कॉपर ऑक्साइड, लेकिन हर बार आप देखेंगे कि कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। आप किसी भी तरीके से कॉपर ऑक्साइड को बनाएं, लेकिन कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो चेंज नहीं होगा। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, सो द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आई एम टेकिंग ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई मेंशन्ड ऑन द बोर्ड, दिस इज इंटेंस केमिस्ट्री इज बींग गिवन। समटाइम व्हाट हैपन्स, स्टूडेंट फील करता है कि उसको इतना केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, और न्यूमेरिकल में इतना दिया गया है कि उसको वो केमिस्ट्री ही समझ में नहीं आ रही है। एक्चुअली इन लॉज के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस केमिस्ट्री में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। हमें दो ही चीज़ की ज़रूरत है, एक तो वेट ऑफ कॉपर और एक वेट ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड दो ही चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो उसमें कॉपर है और एक उसका ऑक्सीजन है। इन दोनों का जो वजन है, मास है, उसका जो रेशियो है वो वही रहना चाहिए, चाहे हम सेम रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी तरह से कॉपर ऑक्साइड बनाएं। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में कॉपर ऑक्साइड दो तरीकों से बनाया गया है। 2.75 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड वॉज रिड्यूस्ड बाय हीटिंग इट इन ए करंट ऑफ हाइड्रोजन। अब लगता है यार करंट ऑफ हाइड्रोजन में कॉपर ऑक्साइड को गर्म किया गया क्या होगा, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि कॉपर ऑक्साइड को जब हीट किया जाएगा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में तो कॉपर अलग हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलकर वाटर बन जाएगा। तो इसमें से ऑक्सीजन निकलकर गया है इसलिए इसको रिडक्शन कहा गया है। और यह कहा गया है इसमें कि जब हमने कॉपर ऑक्साइड को गर्म किया गया तो कॉपर ऑक्साइड का जो वजन था वो 2.75 ग्राम था, और जब हमने इसको रिड्यूस किया इन ए करंट ऑफ हाइड्रोजन द वेट ऑफ कॉपर दैट रिमेन्ड वॉज 2.196। तो कॉपर का वजन जो है वो 2.196 ग्राम है। यानी हमारे पास कॉपर ऑक्साइड का वजन है और हमारे पास कॉपर का भी वजन है। अगर मैं कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर का वजन माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ऑक्सीजन का वजन भी आ जाएगा। यानी फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था उसमें वेट है, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड दैट इज 2.75 ग्राम, और उसमें जो वेट है कॉपर का वो है 2.196 ग्राम। तो वेट जो है ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, इस वजन में से अगर हम ये वजन माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का वजन आ जाएगा 2.75 माइनस 2.196 4.55 50 0.554 ग्राम। अब हमारे पास कॉपर का वजन भी आ गया और ऑक्सीजन का वजन भी आ गया। ये हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी और बाकी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे बनाया गया,
किस तरीके से बनाया गया, क्या उसका प्रोसीजर था, इट हार्डली मैटर्स। एक विधि से, एक तरीके से हमने कॉपर ऑक्साइड बनाया, उसमें कॉपर का वजन इतना है और ऑक्सीजन का वजन इतना है। अब अगले एक्सपेरिमेंट में वो क्या बोलता है, वो कहता है इन अनदर एक्सपेरिमेंट 2.358 ग्राम ऑफ कॉपर वाज डिसॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड एंड रिजल्टिंग कॉपर नाइट्रेट। ये तो बात क्लियर है कि कॉपर को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर का नाइट्रेट बनेगा, और उस कॉपर नाइट्रेट को कन्वर्ट किया गया कॉपर ऑक्साइड में बाय इग्निशन, यानी कॉपर नाइट्रेट को जब हम इग्नाइट करेंगे, हीट करेंगे, तो यहां पे कॉपर ऑक्साइड बनेगा और बाकी सब गैसेस वगैरह निकल जाएंगे, इवॉल्व हो जाएगा। तो यहां कॉपर ऑक्साइड का वजन दिया गया है 2.952 ग्राम, और शुरू में हमने कॉपर कितना लिया था इसको बनाने के लिए, कॉपर को रिएक्ट करवाया गया था HNO3 के साथ, उस समय कॉपर कितना लिया था 2.358 ग्राम। ये कॉपर का वजन है और ये कॉपर ऑक्साइड का वजन है। अगर कॉपर ऑक्साइड के वजन में से कॉपर का वजन घटा देंगे तो फिर ऑक्सीजन का वजन आ जाएगा। यानी इन सेकंड एक्सपेरिमेंट, अब मेरे को स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, मेरे को एक बात तो ये समझ में आ गई कि मेरे पास पहला जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो ये है, और सेकंड में कॉपर का वजन है 2.358 ग्राम और कॉपर ऑक्साइड जो बनकर तैयार हुआ है उसका वजन है 2.952 ग्राम, और इनको हमें चेक करना है कि दीज रिजल्ट्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और नॉट। जस्ट वी हैव टू चेक, हमें ये चेक करना है कि ये रिजल्ट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हैं या नहीं है। वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इट इज 2.952 ग्राम, वेट ऑफ कॉपर जो इनिशियली हमने लिया था इट इज 2.358 ग्राम, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन कम्स आउट टू बी 4.95.0। यानी अब हमारे पास पहला कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड वन, एंड दिस इज कॉपर ऑक्साइड सेकंड जो हमने अलग अलग तरीके से बनाया है। उसमें जो कॉपर है और ऑक्सीजन का रेशियो है वो हमें चेक करना है। कॉपर का वजन है 2.196 और ऑक्सीजन का वजन है 0.554 ग्राम, ये ग्राम में ही है दोनों। तो कॉपर का जो दूसरे कॉपर ऑक्साइड में है वो है, कॉपर का वजन है 2.358 और ऑक्सीजन का जो वजन है वो है 0.594। यहां से मैंने कॉपी कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि ये रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हैं या नहीं। इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि ये चेक करना है वेदर दीज रेशियो आर सेम और नॉट। हमें कब पता लगेगा ये रेशो सेम है या नहीं है, उनमें से एक एलिमेंट को वन कर लें, क्योंकि जब तक एक एलिमेंट का वेट सेम नहीं होगा दूसरे एलिमेंट का रेशो हमें कैसे पता लगेगा।
इसमें ऑक्सीजन है 0.554 तो कॉपर है 2.196। अगर ऑक्सीजन 1 होता तो कॉपर कितना होता? 2.196 डिवाइड बाय 0.554। इसी प्रकार यहां पर अगर ऑक्सीजन 1 होता तो कॉपर कितना होता? 2.358 डिवाइड बाय 0.594। अब ये ऑक्सीजन का जो वेट है वो हमने 1 कर दिया है, तो कॉपर का वजन भी सेम आना चाहिए। अगर ये आता है तभी तो ये रेशो सेम आएगा ना, और अकॉर्डिंग टू द लॉ इट मस्ट बी सेम। यू जस्ट चेक दैट दिस डिवाइड बाय दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस एंड कम्स आउट टू बी हियर। ये रेशो जो यहां पर आएगा, एक्स सपोज करिए एक्स आता है, और यहां पर हम देखते हैं ये भी एक्स ही आना चाहिए। अगर एक्स आता है तो ये रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, और अगर ये एक्स नहीं आता है माने सेम नहीं आता है तो फिर ये लॉ अकॉर्डिंग टू डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है। वैसे होंगे, क्योंकि जब ये कहा गया है कि इल्यूस्ट्रेट दैट दीज रिजल्ट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इट शुड बी सेम। तो ये रेशो और ये रेशो, कॉपर और ऑक्सीजन का रेशो कॉपर ऑक्साइड के अंदर सेम होगा, सेम होना चाहिए। यही तो डेफिनेशन है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की। अब तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। According to this law, ध्यान से definition को सुनना, whenever the two elements combines together to form two or more than two compounds, कभी कभी ऐसा होता है कि दो elements आपस में combine होकर दो या दो से ज़्यादा compound बनाते हैं। मैं यहाँ पर hydrogen peroxide और water बना रहा हूँ just by combining the hydrogen and oxygen। Hydrogen रेशो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर दो या हो सकता है कभी कभी दो से ज्यादा कंपाउंड भी बनाए, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, सो मेनी ऑक्साइड इट फॉर्म्स। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ऐसी सिचुएशन पे अप्लाई करेगा जब दो एलिमेंट आपस में जुड़कर दो, कम से कम दो कंपाउंड बनाएं या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाएं। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। ये तब अप्लाई होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो क्या कहता है ये लॉ? व्हेनेवर द टू एलिमेंट्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, देन the element which combines with the fixed weight of another element, मैं कौन से element की बात कर रहा हूं? यहां पर hydrogen और oxygen आपस में 2:16 और यहां पर 2:32, मतलब 1:8 और यहां 1:16। अब ध्यान से देखना कि मैं कौन से element की बात कर रहा हूं। The element विच रिएक्ट विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अनदर एलिमेंट, मैं उस एलिमेंट की बात कर रहा हूं जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड वेट के साथ रिएक्ट करता है। माने मेरा इशारा इस समय ऑक्सीजन की तरफ है। द एलिमेंट विच रिएक्ट विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अनदर एलिमेंट ऑलवेज बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशियो। 8:16 means 1:2, which is a simple whole number ratio.
फिर से डेफिनेशन को सुने। Whenever the two elements combines together to form two or more than two compounds, then the element which combines with the fixed weight of another element always bears a simple whole number ratio. आप इन सब में भी ये चेक कर सकते हैं। मैं कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन का वेट तो ऑलरेडी फिक्स है, तो ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। यहां कार्बन मोनोऑक्साइड लिखें, यहां कार्बन डाइऑक्साइड लिखें। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का वेट लकीली यहां ऑलरेडी फिक्स है, दैट इज 12:12, जबकि ऑक्सीजन का वेट यहां पर 16 है और यहां पर 32 है। तो वो एलिमेंट, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, विच रिएक्ट विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अनदर एलिमेंट, ऑलवेज बियर्स इज टू 16:32 means 1:2, which is a simple whole number ratio. यानी आपने करना क्या है, बेसिकली एक एलिमेंट का वेट फिक्स करें और दूसरे एलिमेंट को चेक करें whether they are combining in both of these compounds in a simple whole number ratio, fraction में नहीं आना चाहिए। आप नाइट्रोजन वाले एग्जाम्पल पे भी चेक करेंगे जहां पे कंपाउंड दो से ज्यादा बन रहे हैं। आई एम टेकिंग सम ऑफ देम, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड विच इज नोन एज लाफिंग गैस, NO, NO2, N2O3, N2O5। यहां पर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ले रहा हूं और चेक करूंगा वेदर दिस लॉ होल्ड्स गुड और नॉट। नाइट्रोजन हेयर इट इज 28, ऑक्सीजन इट इज 16, नाइट्रोजन इज 14, ऑक्सीजन इज 16, नाइट्रोजन इज 14, ऑक्सीजन इज 32, नाइट्रोजन इज 28, ऑक्सीजन इज 48, 16 3 जा 48, 14 2 जा 28, 16 5 जा 80। ये सब रेशो मैंने निकाल कर लिखे हैं। अब मुझे आइदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से एक एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका वेट मैं फिक्स कर दूं। वो कोई भी आपकी मर्जी का हो सकता है। लेट इट बी वेरी इजी फॉर मी टू मेक वन एलिमेंट फिक्स्ड, दैट इज नाइट्रोजन, क्योंकि लगभग 28 14 14 28 28 आ रहा है। इसका मतलब मैं नाइट्रोजन का वेट यहां 14 कर लेता हूं। अगर ये 28 है तो 16 है, अगर ये 14 होता तो ये कितना हो जाता, 8 हो जाता। अगर ये 14 है, ऑलरेडी है ही, तो मैं 16 लिख देता हूं। ये भी 14 है, 32 लिख देता हूं। अगर इसको 14 कर दें तो ये 24 हो जाएगा, इसको 14 कर दें तो ये 40 हो जाएगा। अब मैं नाइट्रोजन का वजन तो सभी में आप देखें फिक्स कर चुका हूं, दैट इज 14 ग्राम। ला क्या कहता है, वो एलिमेंट नहीं जो फिक्स है, दूसरा एलिमेंट उसका रेशियो चेक करना है। यहां पे ऑक्सीजन है 8, यहां ऑक्सीजन है 16, यहां ऑक्सीजन है 32, यहां ऑक्सीजन है 24, यहां ऑक्सीजन है 40। चेक करें कि ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो है कि नहीं। 8 मींस 1:2:4:3:5। इससे सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2:3:4:5, इससे सिंपल होल नंबर रेशियो और क्या होगा। इट मींस द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू विच वेन एवर द टू एलिमेंट कंबाइंस टूगेदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड, देन द एलिमेंट विच रिएक्ट विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अनदर एलिमेंट ऑलवेज बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशियो। तो जब भी आप कोई केमिकल प्रॉब्लम करें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग बेस्ड, तो आपको एक एलिमेंट का वेट फिक्स कर लेना है और दूसरे एलिमेंट को चेक करना है वेदर इट इज इन द सिंपल होल नंबर रेशियो और नॉट। इफ इट इज सो, इट होल्ड्स गुड, इट इज प्रूविंग द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये मैंने आज 3 लॉ आपको बताए हैं, इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करके देखें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सब बच्चों के पास मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम डाल सकते हैं, मेरे से फ़ोन पर बात कर सकते हैं, मेरे किसी भी तरह पर्सनली आप जो है मेरे से बात कर सकते हैं।
और अपनी प्रॉब्लम को दूर करें, क्योंकि प्रॉब्लम जितनी जल्दी दूर हो जाएगी उतनी ही आपका कॉन्फिडेंस के लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू।